Hello students. So in the last lecture we discussed about the concept of electric field. हमने electric field का expression देखा due to a charge ring, और हमने electric field का expression देखा due to a finite length wire. क्लियर है? उसकी applications भी करी, कुछ हमने variety of problems करी, कुछ problems और हम discuss करते हैं. एक सिंपल पेंडुलम के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी हैं असाइनमेंट में. अब उनको कैसे टैकल करना है जरा उनको भी देखिए. मैं जस्ट एक आपको वैरायटी दे देता हूँ. लेट से मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ है एल, स्ट्रिंग लेंथ एल, बॉब का मास एम और उस पर चार्ज है क्यू. क्लियर? सभी जानते हैं अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर लूं तो ये ऑसिलेट करेगा एंड द टाइम पीरियड वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी. लेकिन 11th क्लास में मैंने आपको बताया था ये जी क्या है, ये जी क्या होता है, इट इज़ अ जी इफेक्टिव. ये क्या होता है, जी इफेक्टिव. और जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस बॉब अपॉन में इट्स मास. क्लियर? ओके. या फिर ऐसा समझिए नेट टेंशन, ऐसा समझ लीजिए नेट टेंशन. क्लियर? अगर फिलहाल के केस में देखोगे तो नेट टेंशन किसके बराबर है, एम जी के बराबर, दैट्स फाइन. लेकिन मान लो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड. अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स ही निकाल लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वेट तो लग ही रहा है एम जी, और एक और फोर्स लग रही है क्यू इंटू ई विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी हो गई, एम जी प्लस क्यू ई. तो जी इफेक्टिव कैसा होगा, जी इफेक्टिव क्या होगा, दिस फोर्स नेट फोर्स अपॉन में मास, मतलब दिस क्वांटिटी अपॉन में मास विच इज इक्वल टू जी प्लस क्यू ई अपॉन में है. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम. अब इससे भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिख सकती हैं, तीन चार टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने अपने असाइनमेंट में दिए हैं, आप उनको टैकल कर सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे लगा दी, अरे कोई बात नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स ही निकालनी है. और बस ध्यान रखना है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब भी आप रिजल्टेंट निकालो तो यू हैव टू अप्लाई द वेक्टर्स रूल, दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है. चलिए अब इस टाइप की प्रॉब्लम भी हमने देख ली, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, और शायद एक प्रॉब्लम मैंने आपको असाइनमेंट में दी भी है, अच्छी प्रॉब्लम है, उसको ट्राई कीजिएगा. क्लियर? अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या ऐसे समझिए कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया. और ज़्यादा सिग्निफिकेंस तब समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एनर्जी है, एनर्जी एक ऐसा समझिए अदृश्य ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. क्लियर? अब एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. क्लियर? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकल, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मुझे पढ़ना है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया या फिर मुझे किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड समझानी है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली. ऐसा समझिए, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस समझ में आएगा धीरे धीरे.
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर? मतलब इसको आपको ध्यान ही रखना है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, इसको आपको ध्यान ही रखना है पूरे वर्ल्ड में। एक मतलब जैसा लाइक ऐसा समझ लीजिए कोई चीज़ हो, कुछ चीज़ को फिक्स कर दिया कि यार इसको ऐसा मान के हमें आगे बढ़ना है, क्लियर? ऐसा समझ समझिए कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसको रट्टा मार लो या याद करो, नहीं, कुछ चीज़ें होती है कि उनको ऐसा मान के हमें आगे बढ़ना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? बेसिकली पहली बात तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने देखी, अब उन प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ चीज़ ऐसी समझिए बाहर की तरफ निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आ रही है। तो पहली ही प्रॉपर्टी क्या हो गई, मान के चलिए ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट कर दी, तो पहली ही प्रॉपर्टी क्या हो गई कि भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्ड। इसको आपको ध्यान रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है क्या? तो पहली प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि भाई मान लो स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ सिचुएशन है, क्लियर? मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, लेट्स से E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, लेट्स से E2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में से जाएगा E, क्लियर? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, E1, E2 या E? E हो। दैट मीन्स क्या कंसेप्ट निकल के आ गया कि स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पर जो रिप्रेजेंट होती है वो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में, मैं कहीं पे भी बोल दूँ मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ नॉट E1, इट इज़ नॉट E2, इट इज़ नॉट E, एंड E इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है? अच्छा भाई, अब और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मान लो स्पेस में कहीं इस तरीके की एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रेट लाइन ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। अब मान लो कहीं पर इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं भाई, इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो देखो कर्व बना रहा है। तो मान लो स्पेस में कहीं इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप सभी जानते हैं कर्व पर किसी की डायरेक्शन निकालने का तरीका, ड्रॉ द टेंजेंट। तो एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मान लो मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ क्यू, तो इस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ लग रही होगी, टेंजेंशियली,
और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इजिकल्स टू क्यू ई। क्लियर है क्या? तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई, तीसरी प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई, टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। बात क्लियर है कि नहीं? और प्रॉपर्टी देखते हैं भाई, तीन प्रॉपर्टी हमने देख ली, ओरिजिनेट कहाँ हुई, टर्मिनेट कहाँ हुई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और भैया क्या नाम है आपका, टेंजेंट क्या देता है। और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, E1 और E2, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? Because at the point of intersection, there are two tangents. अब दो tangent है तो दो direction of electric field है, दो direction of electric field है तो दो दो अलग अलग जगह force लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैं एक charge रखूँ, वो इधर भी move करेगा और वो उधर भी move करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? That means, एक और important property क्या निकल के आ गई, the two electric field lines can never intersect each other because at the point of intersection, there will be two direction of electric field and force which is not physically possible. Clear है? और property क्या हो सकती है भाई electric field lines की? और property क्या हो सकती है? Just like मान लीजिए कहीं space में इस तरीके की electric field lines, एक point है A, एक point है B, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की ए पॉइंट पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। दैट मीन्स बिकॉज यहां पर जो स्पेसिंग है बिटवीन द फील्ड लाइंस वो कम है, यहां ज्यादा है, मतलब यहां पर जो डेंसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है as compared to this region. बात समझ में आ रही है? मतलब the density of electric field lines gives the magnitude of electric field at that point. यहाँ पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है as compared to this. इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखी जा सकती हैं CBSE में भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरीके की। ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर एकदम? और प्रॉपर्टी क्या देख सकते हैं भाई? अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके की सिचुएशन बनाएगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके की सिचुएशन बना सकती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक क्लोज लूप बना सकती है? नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई कहाँ से है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। And if electric field is conservative in nature, it can never form a closed loop because 11th class में हमने एक property पर रखी है, for conservative field, for conservative forces, the work done for a closed path is zero. But यहाँ पर work done zero नहीं होगा। Let's say this radius is R and electric field is E. यहाँ पर मैं एक charge रख दूँ तो इसको circulate कर देगी charge को, तो work done क्या हो जाएगा? Force into displacement. और फोर्स क्या हो जाएगा? Q into E. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 pi r एंड इट इज नॉट जीरो। दैट मीन्स क्या कंसेप्ट निकला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। चलिए भैया और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मान लो
वन कूलम चार्ज में से मैं कह दूं कि 1000 फील्ड लाइंस निकली। पहली बात तो फील्ड लाइंस किसी ने देखी नहीं, ना ही कुछ होती हैं, ये जस्ट एक पढ़ने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का और समझने का तरीका है, दैट्स ऑल। ध्यान रखना इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है, उसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है? मान लो वन कूलम चार्ज में से 1000 फील्ड लाइंस निकल ली हैं, तो कॉमन सेंस से दो कूलम में से कितनी निकलेंगे भैया? 2000। तीन कूलम में से 3000। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ, दैट मीन्स क्या कंसेप्ट निकल के आ गया, क्या कंसेप्ट निकल के आ गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर रहेगा? तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार रिकॉल करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन द नेगेटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट क्या है? इन द स्पेस, किसी भी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज कॉन्फिगरेशन। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? द टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट, दैट मींस देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच कैन नेवर बी पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो? द रिलेटिव डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्लियर? इन सभी को लिखिए आप, इन सभी को नोट डाउन करिए। चलिए अब हमने प्रॉपर्टीज तो देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, कुछ हम और एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्यू और क्यू, पॉजिटिव, ये दूसरे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ दिस सिस्टम, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। चलिए तो किस तरीके की सिचुएशन बनी? अब आप ध्यान से कोई रिपेल करना, तो रिपेल एक्चुअली मान लो दो मैग्नेट है, नॉर्थ और नॉर्थ, मैं दोनों को पास लाऊंगा तो वो रिपेल कर रही है, तो रिपेल फोर्स कौन लगा रहा है, रिपेल कर कौन रहा है? फील्ड, फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रही है, फील्ड ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो सिचुएशन कैसे बनेगी? समथिंग क्वाइट रिपल्सिव, समथिंग क्वाइट रिपल्सिव, इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट लाइक दिस, इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी लाइक दिस। ओह सॉरी, क्लियर है ना? और भी कर लो। अब मान लो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, अब इसका सिचुएशन बनाना है, तो इसके लिए क्या होगा? ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्लियर है एकदम? लाइक दिस, इस तरीके की सिचुएशन हो। क्लियर? अब इसमें अगर क्यू है, ये टू क्यू है, तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं, डिफॉर्मेशन कर देंगे इस पोजिशन को, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम ज़्यादा निकाल देंगे, इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है ये क्यू है और ये टू क्यू है,
तो जो नंबर है फील्ड लाइन्स का वो बराबर नहीं रखना है, यहाँ पर फिलहाल नंबर बराबर होना चाहिए। यहाँ से निकल रही 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी वन मोर लाइक दिस, ये ध्यान रखना है इस बात को, क्लियर है। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये नंबर भी सेम होने चाहिए, बिकॉज एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। सेम केस हेयर, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, दैट्स फाइन। अगर कोई क्यू कोई टू क्यू है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को चेंज करिए, क्लियर है एकदम क्लियर। और देखते हैं भाई, और देखते हैं एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, सुनिए जरा। मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और सिचुएशन कुछ इस तरीके की दी हुई है, लाइक दिस, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी, व्हाट इज द नेचर ऑफ Q1 एंड Q2 एंड व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन, दैट मींस व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2। वही सेम केस, नेचर के लिए कैसे करेंगे, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दैट मींस दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। यहाँ से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कितनी टर्मिनेट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स Q2 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। IIT का ही प्रॉब्लम, तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, इस तरीके की एन नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, क्लियर है। चल ये कंसेप्ट हमने समझ लिया, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम एक और कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। नोट करिए जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। अब ऑल्दो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेन एक पढ़ने का, किसी चीज़ को समझने का, किसी सिस्टम को समझने का एक तरीका है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। इट इज जस्ट अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by certain distance, clear है। अब इस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है, इस सिस्टम का कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे हर मटेरियल किससे मिलकर के बना है, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल अरे डाइपोल ही तो है। कैसे भैया, कैसे, NaCl क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अरे डाइपोल ही तो है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, E प्लस E माइनस, डाइपोल ही तो है ये, क्लियर है। H2O क्या है भाई, H2O ये रहा, अरे डाइपोल ही तो है, बात समझ में आ रही, क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो डाइपोल की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कैसे बिहेव करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे बिहेव करेगा, इसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत सी चीजें हैं, क्लियर है एकदम। मैं तो कह रहा हूं, मान लीजिए एक एटम की हम बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज, मान लो मैं एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव मान लो न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो कन्वर्ट हो गया डाइपोल में। तो डाइपोल का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, डाइपोल का,
क्लियर एकदम। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या हो गया बेसिकली, डाइपोल क्या हो गया, इट इज अ क्या बोलेंगे, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें हैं, एक होता है डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ क्या होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज नोन एज डाइपोल लेंथ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे प्रैक्टिकली, और NaCl, NaCl के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, एक मीटर दो मीटर इतना होता है क्या, नहीं, एंगस्ट्रॉम में होता है। दैट मीन्स ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दिस डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, डिफॉल्ट में है ये, बार बार बोलूंगा भी नहीं, जब मैं अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि पता, क्योंकि आपने समझ लिया कि डाइपोल है क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। प्रैक्टिकली देख लीजिए यार, NaCl, H2O, दिस एंड दैट्स वन। अब उन दोनों के बीच में, उन मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत बड़ा थोड़ी होता है यार, एंगस्ट्रॉम में है, मतलब दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है। अब एक टर्म होती है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया गया, उसका मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन किया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टाइम्स डाइपोल लेंथ। क्लियर है। दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। डाइपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल लेंथ, एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर है। अब फिर हमने सीखा डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाया जाता है लेकिन मुझे नहीं पता, हम तो सीधा ही पढ़ेंगे। क्लियर है। डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन, सॉरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या बताया मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टाइम्स डाइपोल लेंथ। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हर ऐसा समझिए, हर चीज़ डाइपोल मोमेंट से मिलकर के बनी है, ऐसा समझिए हर चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है, और मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट से मिलकर के बना है। अब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। पहले कुछ सिस्टम्स पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट लाइक मान के चलिए, अब बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा, क्यू दे दिया, एल दे दिया, आंसर निकाल, आंसर निकालने कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है एकदम। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर चार्ज रख दिया माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज रख दिया माइनस क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड हो गई L, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ पर चार्ज 2q। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, क्या पूछ रहा हूँ मैं, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। कैसे करेंगे भाई, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कैसे किया जाए, कुछ नहीं है, सिंपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, इसको क्यू को क्या ले सकता हूँ मैं, क्यू प्लस क्यू। अब देखिए बन गया सिस्टम, एक डाइपोल मोमेंट ये रहा P, एक डाइपोल मोमेंट ये रहा P, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और वो क्या है, Q into L, और ये एंगल क्या है 60, तो ये भी एंगल क्या होगा 60। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि आपको मालूम है डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम वेक्टोरियली इनको सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से जाएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेट्स से दिस इज पी डैश,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 कितना होगा हाफ, दैट मीन्स अंडर रूट 3p, दैट मीन्स अंडर रूट 3 क्यू इन टू एल। क्लियर है ना? तो इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इजीली दिख सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। मान लीजिए लेट्स से वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर चार्ज रख देता हूँ कैपिटल क्यू, एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, क्लियर, एंड दिस इज रेडियस इज आर, और इस पूरे पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मैग्नीट्यूड है क्यू। और क्वेश्चन है फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड द क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, क्लियर, फटाफट इसको नोट डाउन करिए प्रॉब्लम को भी। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सिस्टम हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तीन जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, एक तो एक्सिस पर, एक्सिस आपको समझ में आ रही है, लेट्स से यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ पर एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो एक सिस्टम बन गया, डाइपोल बन गया, तो जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो पहला एक्सप्रेशन हमें पढ़ना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस, किसी भी एक पॉइंट पर एक्सिस पर। दूसरा पॉइंट कहाँ लेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एग्जैक्टली उसके मिड से पास होने वाली लाइन पर कोई एक पॉइंट। और तीसरा कहाँ पढ़ेंगे हम, स्पेस में कहीं भी। क्लियर है? तो पहले हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। चलिए मैंने एक डायपोल बना लिया और डायपोल लेंथ ले ली मैंने 2L। अभी 2L क्यों ली, आप कुछ भी ले सकते हो, L, 2L, 3L, अरे यार डाइपोल लेंथ बेसिकली हमें देखनी है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बेसिकली। अब डाइपोल लेंथ तो 2L हो गई ना, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा बेसिकली, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, Q इंटू 2L, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, Q इंटू 2L, और डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल लेंथ है ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है, एंगस्ट्रॉम में है, तो हमें कैलकुलेशन के लिए कोई एक अपना ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ से कैलकुलेशन करें। तो ध्यान रखना हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे, अब कोई कहेगा सर इस चार्ज से करो, कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, सेंटर से। क्लियर है एकदम? सारी कैलकुलेशन कहाँ से होगी, सेंटर से। और ये 12 क्यों लिया, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, अगर आप एल लेते हो तो गलत नहीं है, रिजल्ट वही आएगा। क्लियर है एकदम? चलो अब सेंटर से मान लीजिए, सेंटर से मान लीजिए आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है पी, मुझे वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए ये पी पॉइंट ओ से, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से उसकी दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी भैया, ये डिस्टेंस कितना होगा, बहुत इजी है, ये 2L, ये L, ये R, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस L, ये डिस्टेंस क्या हो गया, R माइनस L। क्लियर है एकदम? और यही पॉइंट नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पे हो गया, आर प्लस एल, तो ये दूरी क्या हो गई, आर प्लस एल। चलिए अब इस पी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह, दोनों पॉइंट चार्ज है, इस पी पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड।
क्लियर है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, क्लियर रहेगा। अब इन दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी भैया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर क्या है पॉजिटिव चार्ज का, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी भाई, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हो दोनों में कौन बड़ा है, नॉर्मल सी बात है, मैग्नी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और यह डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, मतलब कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर की तरफ, ई नेट, क्लियर रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, क्लियर। तो ई नेट क्या हो गया बेसिकली अपने पास, ई नेट क्या हो गया, ई नेट क्या हो गया अपने पास, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, दैट मीन्स के क्यू बाय प्लस क्यू का क्या है, के क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सभी लोग सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू कॉमन, इसको एलसीएम ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टू आर एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दीज टू टर्म्स विल कैंसिल आउट, क्लियर है। तो अगेन क्या बन गया, अगेन ये क्या बन गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगेन ये क्या बन गया, के क्यू ये क्या बन जाएगा, फोर आर एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू टू एल, फोर एल को लिख सकता हूँ टू इंटू टू एल, तो ये क्या बन गया, टू के क्यू इंटू टू एल इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये टर्म क्या हो गई, पी, तो ये क्या बन गया, टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो आप सभी लोग जानते हो कि भैया ये जो एल है ये तो बहुत स्मॉल होता है, तो भाई एल स्क्वायर तो और भी ज़्यादा स्मॉल होगा। फॉर दिस अप्रॉक्सीमेशन यू कैन से वी कैन नेगलेक्ट एल स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर। ये मैंने बता रखा, किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं तो किसी एक कंपेरिजन में करते हैं। वन कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ वन करोड़, बट वन कैन नॉट बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ टू। हेयर एल स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन पुट एल स्क्वायर टू बी जीरो, क्लियर है। तो बेसिकली ई नेट क्या हो जाएगा, फिर ई नेट क्या हो जाएगा, उसके बाद ई नेट क्या हो जाएगा, इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो एल, ये इसको हम जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर फोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर फोर, ऊपर एक आर है कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा नीचे, आर की पावर थ्री। तो बेसिकली ई नेट क्या हो गया, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ई नेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा देन, ई नेट का एक्सप्रेशन टू के पी अपॉन में आर क्यू, क्लियर। ये हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन खेलनी है कोई बड़ी बात नहीं है, ई नेट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी वेक्टर है, पी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे पी की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस साइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपली ऐसे ही लिख दूंगा,
with positive sign. The direction of net electric field and the direction of dipole moment is same. This is the most important point. Isko likhiyega. The direction of net electric field as well as the direction of dipole moment is same in case of axial. Clear ekdam. Isko note kariye acche se. Chaliye. Now, ab next hum kaun sa case padhenge? On the equatorial line. कि भाई फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन मैंने बता दी. लेट्स से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये डाइपोल बन गया, ये सेंटर हो गया. सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन पास हो रही है. क्लियर एकदम. परपेंडिकुलर एक लाइन पास हो रही है और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है. एक्सिस पे हमने निकाल ली, अब परपेंडिकुलर लाइन पे निकालेंगे. क्लियर एकदम. चलिए ड्रॉ करते हैं, सिस्टम ड्रॉ करते हैं. ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमने बनाया, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई हमारी डाइपोल लेंथ विच इज 2L, O इज द सेंटर. O से पास होती हुई एक लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसी को क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल लाइन. अब इस इक्विटोरियल लाइन पर सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक पॉइंट है P, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. बहुत ही इजी, दोनों की वजह से निकालो, रिजल्टेंट निकाल दो. क्लियर है एकदम. चलो ज्वाइन करेंगे. पहले अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दोनों ही केसेस में ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम. और वो क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये भी क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. क्लियर. चलिए अब पी पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली, रेडियली आउटवर्ड. और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली इनवर्ड. क्लियर. तो ये क्या हो गया? E प्लस क्यू. और ये क्या हो गया? E माइनस क्यू. चलिए डायरेक्शन तो हमने लिख ली. अब डायरेक्शन हमने लिख ली है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा. डायरेक्शन हमने लिख ली है, अब जरा मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं. मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जल्दी बोलिए. के क्यू बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सेम केस माइनस का भी क्या होगा? के क्यूब आए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां से जाएगा ई नेट. क्लियर है? क्लियर. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया? अब कैसे निकालें भाई? अब इन दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता होना चाहिए, वो हम निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मान लो ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री हम कहेंगे ये एंगल भी थीटा होगा. क्लियर रहेगा? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल. एंड बाय सिमेट्रिसिटी ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. सिमेट्री की मदद से हम बोल सकते हैं सबको सेम चल रहा है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर. तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया? कंप्लीट एंगल क्या हो गया? टू थीटा. कंप्लीट एंगल क्या हो गया? ये टू थीटा. चलो That means इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. दोनों के बीच में एंगल क्या है? टू थीटा. क्लियर एकदम. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है और ये बात क्लियर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. लेट्स से इसको कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं हम. लेट्स से हमने इसको मान लिया ई. क्लियर, दोनों सेम है, इसको हमने ई मान लिया. तो ई नेट कैसे निकालेंगे? अब हम
ई नेट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, या तो वेक्टर रिजॉल्व कर लो, वेक्टर रिजॉल्व कर लो, या फिर पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो। हम एक काम करते हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ई वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ई ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा ई, ये क्या होगा ई साइन थीटा। ये ई वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, रिजॉल्व करो जल्दी, ये क्या होगा ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा ई साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, दीज टू वेक्टर्स विल कैंसिल आउट। तो बेसिकली सिंपली ई नेट अपने पास क्या आ गया, सिंपली ई नेट क्या आ गया, टू ई कॉस थीटा। दैट मीन्स टू ई की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से कॉस थीटा निकालिए फटाफट, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं, देखो अब अगेन क्यू इंटू टू एल क्या हो गया, पी, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, क्यू इंटू टू एल, तो ऊपर क्या आ गया के पी, और नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ये हमने ई नेट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। लेकिन अगेन हमें ये मालूम है कि भैया आर एल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, सो एल स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, दैट मीन्स यू कैन नेग्लेक्ट एल स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ आर स्क्वायर। अगर आप इसको जीरो पुट कर दोगे तो देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2, सो आर स्क्वायर की पावर 3/2 का क्या मतलब है, आर क्यूब। तो ई नेट क्या आ गया बेसिकली, ई नेट क्या आ गया बेसिकली, क्या आ गया ई नेट, के पी अपॉन में आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या है, दिस साइड। ध्यान से देखिए डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, दिस साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस साइड अपोजिट। दैट मीन्स ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस साथ साइन के साथ, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। In case of axial line, the direction of net electric field is along the direction of dipole moment and its magnitude is 2kp/r². ये concept ध्यान रखना है। And in case of equatorial line, the direction of net electric field is opposite to the direction of net, to the direction of dipole moment and its magnitude is kp/r³। That means, अगर मैं magnitude wise बात करूँ तो in case of इक्वेटोरियल इज क्या होगी, हाफ ऑफ ई एक्सियल। क्लियर रहेगा, तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसको आप नोट करिए अच्छे से, और इसको आप नोट करिए, और लास्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। थैंक यू।